Hello guys, so I'm quite excited. You can see Liqui Moly मैंने order किया था 10W50 आ चुका है. So I'm going to replace the stock engine oil जो अब तक मैं liquid gun use कर रहा था. I'm going to replace that with Liqui Moly. So it looks all good. One can 1 liter. So I got 4 liters and it is Jaso MA2 and APSN Plus, and it's a 40 completely synthetic. Yeah, this is fully synthetic. So first मैंने use किया था मेरा जो Desert Storm था, it's like 4 साल पहले I think मैं first Liqui Moly use किया था. So I'm quite excited. I'm going to use it now and मेरा एक राइड था. आई मिस दैट राइड ऑन सैटरडे. इट वॉज रेनिंग. चलो नो इश्यूज, लेट्स रिप्लेस द स्टॉक ऑयल और देखते हैं फिर इसका क्या इफेक्ट होता है. सो फार स्टॉक ऑयल आई थिंक इट इज़ अबाउट, आई मीन उसका जो शेल्फ लाइफ है ख़त्म होने को आया, या फिर उतना सही तरीके से लुब्रिकेट नहीं कर रहा बिकॉज द गियर इज़ फीलिंग नॉची एंड न्यूट्रल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है. सो लेट्स सी, आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू कि कितना चेंजेस है Liqui Moly डालने के बाद. सो फार अभी तक तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहा हूँ, बट अभी तक हीटिंग इश्यूज नहीं हुए. सुबह भी मैं जब ऑफिस पहुँचा चेक किया, जितना हीट था इट इज़ अ काइंड ऑफ, इट वॉज अ ब्यूरेबल हीट. सो इट लुक्स लाइक जो भी चेंजेस है, आई मीन लाइक इट्स अ Liqui Moly इफेक्ट. इंजन ऑयल, एक्चुअली मैं जब इंजन ऑयल चेंज किया मुझे बताया था कि इट वॉज स्टिल लेफ्ट विथ सम जूस, से 1000 किलोमीटर और चल सकता था, बट मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था. कॉन्फिडेंस इन द सेंस कंफर्टेबल नहीं था, बट कॉन्फिडेंस की उतनी नहीं है. एक तो था ही कि 21,000 किलोमीटर मैंने अभी तक कवर किया है, सो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम जो स्टॉक इंजन ऑयल है उसके अलावा मैंने कुछ और डाला है. Motul was another option, then Petronas, Shell, but I was more comfortable with Liqui Moly क्योंकि Petronas हो Shell हो इन सबसे ज़्यादा बेहतर मुझे Liqui Moly लगा है. शायद मैं मेरे Classic 500 में भी अब next Liqui Moly डालूँगा 10W50. GT650 के लिए मैंने ऑयल ग्रेड यूज़ किया है 15W50. सो अभी वैसे भी धूप थोड़ा ज़्यादा है, ट्रैफिक भी सुबह से थोड़ा ज़्यादा है, घर पहुँचने के बाद समझ में आएगा इंजन कितना हीट हुआ है, फिर देखते हैं तभी समझ में आएगा और थोड़ा बेहतर समझ में आएगा कि एक्चुअली इंजन हीट हो रहा है या नहीं. गुड इवनिंग, सो आई हैड अ वेरी प्लेजेंट डे एंड आज मुझे बहुत टाइम बाद मौका भी मिला कि ये सब क्लीन कर पाऊँ. इट इज़ लाइक काफ़ी कचरा था. सो एनी वेज द पॉइंट इज दिस कि आज मैं अप्रोक्सीमेटली 45 किलोमीटर्स चलाया एंड आई हैव अ वेरी गुड फीलिंग अबाउट Liqui Moly. मैं लास्ट यूज़ किया था 4 साल पहले मेरे 500 में, जैसा आप लोग देख रहे थे.
bumper to bumper traffic mein bhi maine chalaya, so engine wasn't hitting up much. It is maybe because थोड़ा सा weather का भी contribution रहेगा, क्योंकि weather काफ़ी ठंडा है and आज उतना मौका नहीं मिला. मे बी 1000 किलोमीटर यूज़ हो जाएगा ऑयल and if it still retains its characteristics, उसके बाद actually समझ में आएगा how good the oil is. That is the idea. And जब भी मेरा पुराना इंजन ऑयल ड्रेन हुआ तो वो दीपक भाई के वहाँ मैं करवाया, तो उन्होंने बताया कि इट वॉज स्टिल गुड टू यूज़ फॉर अनदर 1000 किलोमीटर, बट मुझे जो प्रॉब्लम हो रहा था, आई वॉज फीलिंग वाइब्रेशंस, 120 प्लस वाइब्रेशंस आ रहा था, 100 प्लस हैंडल बार में आ रहा था, थोड़ा सा बज रहता है. एंड 21-22,000 किलोमीटर चल जाने के बाद फुट पेज में थोड़ा बज आता है, तो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल एंड दैट इज़ एक्सेप्टेबल. बट हैंडल बार में बहुत बुरी तरह से बज आ रहा था, तो आई डिसाइडेड टू गो फॉर, मुझे लगा कि चलो दिस इज टाइम नाउ आई कैन ट्राई समथिंग आउटसाइड. सो मैं अलग अलग बाइक्स में मोटुल यूज़ किया है, शेल यूज़ किया है एंड देन पेट्रोनस भी मैंने इनफैक्ट यूज़ किया. पेट्रोनस तो मैंने 500 में यूज़ किया है. दीज आर ऑल गुड इंजन ऑयल्स, आई एम नॉट सेइंग दे आर बैड, बट समहाउ आई स्टिल प्रेफर लिक्विड मोली ओवर दिस ऑयल, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि लिक्विड मोली गिव्स मोर रिफाइनमेंट टू द इंजन. एंड मुझे वही अभी देखना है कि इट इज स्टिल देयर. अगर 4 साल पहले मेरा जो एक्सपीरियंस था, मे भी 4 साल बाद भी वही एक्सपीरियंस हो रहा है या नहीं. सो आई कीप यू गाइस पोस्टेड विद अ रिव्यू आफ्टर से यूजिंग 1000 किलोमीटर और मे बी लॉन्ग टर्म रिव्यू, ये ऑयल कैसा बिहेव कर रहा है. सो टिल देन गाइस स्टे ट्यून, स्टे होम, राइड सेफ एंड स्टे सेफ. बाय बाय.